आई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये नया कॉन्सेप्ट लगा। तो मैं फिर से, मैं तो ऐसे चाइल्ड एक्ट्रेस, मैंने रेखा जी, जितेंद्र जी, मिथुन चक्रवर्ती सबके साथ बचपन से काम करते आई हूँ। अभी दो मेरी हिंदी मूवी ऐसा मेन लीड रिलीज हुई, एक रीजनल ख्वाजा मेरे ख्वाजा, एक लाफ्टर के चैप्टर 8 नवंबर को। तो अभी ये मराठी कॉन्सेप्ट मुझे न्यू लगा, तो मेरी अलग लैंग्वेज में कुछ करना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट फिल्म रहेगी आपकी मराठी? मराठी फर्स्ट होगी मेरी, साउथ और हिंदी किया है मैंने। तो आप किस किरदार में आ रहे हैं? नहीं सर, शाहरुख साहब ही है, दुकान शाहरुख साहब से चलती ना सर मेरी। अब आपको मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बता दूं, ये शाहरुख साहब जो वर्ड है ये मैंने स्टार्ट किया इंडस्ट्री में। आज सारे लोग शाहरुख साहब बोल के ही बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो हमारी दुकान शाहरुख साहब के नाम से चली और ताउम्र पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। अभी जैसे एक साल से ब्रेक है शाहरुख साहब का, तो हमारे भी शो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लक होता है वो स्टार से जुड़ा होता है। जब हमारे स्टार बहुत फॉर्म में होते, ज़्यादा चलते, तो हमें ज़्यादा काम मिलता है। अब जैसे शाहरुख साहब एक साल से फिल्म नहीं कर रहे, तो एक साल से हमारे भी काम थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो हम अधिकतर पूरा डिपेंड उन पर ही होते हैं। लेकिन इतना है कि एक शो लाइन के माध्यम से हम कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते, क्योंकि हर दिन एवरी डे शूटिंग नहीं होती है, तो शो एक हमारा जरिया है जहाँ से हमारा घर चलता है। नहीं सर, मैं आपको बता दूँ, फ्लॉप पिक्चर में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते। जैसे फर्स्ट कीजिए जीरो, ठीक है, जीरो में छोड़ के कि जीरो का गाना बड़ा ही थे सलमान साहब के साथ में, तो वो मैं स्टेज पे कर लेता सर। अब आइटम ये होता है कि सर, मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ मेरे साथ बॉनी भी आ जाता है। अगर वो पिक्चर फ्लॉप है तो मेरे लिए हिट है सर, क्योंकि उसमें से कुछ डायलॉग, उसमें से कुछ गाने जो हमें मिल जाते हैं, जो हम लोग स्टेज पे कर सकते। शाहरुख साहब हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं जो हम लोग निजी ज़िंदगी में करते हैं। अभी ये जनवरी की लास्ट वीक से अपनी स्टोरी फिल्म की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले हमने 18 जनवरी को हमने रविंद्र नाट्य मंदिर में ऑडिशन रखा है। खासकर ये कॉलेज की पिक्चर होने की वजह से हम नए कलाकारों को जैसे इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये होने के बाद में लास्ट वीक से हम जनवरी से शुरू करने वाले हैं, या फिर फरवरी से, जनवरी से हमारा शूट शुरू हो जाएगा और हम 3 महीने के अंदर पिक्चर को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। अंतिम डाउ बोले तो जैसे ये एक जो हमारे फिल्म के अंदर जो किरदार है विलन का, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति रहने के बावजूद भी उसकी जो क्रिमिनल माइंड की तरह उसकी वृद्धि बताया जाए, तो वो जो अत्याचार करता है तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, लेडीज स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो उसका बदला ले नहीं पाते हैं, वो कमज़ोर पड़ते हैं, तो कमज़ोर जो पड़ते हैं उससे बदला किस तरह लिया जाए। नहीं, शॉर्ट में बताया तो किस तरह बदला लिया जाता है, तो उसके लिए वो कसम खाते कि आता अपन खेलो अंतिम डाउ, यानी जब वो तैयारी करते कि अपने पास उनको रास्ता नहीं है, आखिरी डाउ खेलें अंतिम डाउ, तो वो तैयारी होती है, इसलिए हमने उसका नाम टाइटल का अंतिम डाउ दिया।